नालंदा जिले में इन दिनों अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है। तभी तो दिन हो या रात, अपराधी अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला दीपनगर थाना क्षेत्र के मकड़ा का है, जहां दिन दहाड़े हथियार बंद नकाबपोश अपराधियों ने परिवार वालों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। करीब एक दर्जन की संख्या में अपराधी आए और पहले घर के दरवाजे पर बैठे लोगों से बातचीत किया, फिर अंदर चलने को कहा। उसके बाद दरवाजा बंद कर उनके साथ मारपीट करते हुए 65,000 नकद और कई कीमती सामान व लाखों के जेवरात ले उड़े। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट जल्द उद्भेदन करने की बात कह रही है। पहले गेट पर आए, फिर मम्मी पापा वहीं पर बैठल थे, तो खान ले लेते तो दोनों कैसे कर लेते तो टहले थे तो ऊपर गए छत पर, तो हम लोग भी छाते पर थे तो कैप्चर हम लोग के कर लिए छाते पर, सब चीज़ छीन उन लिया और वहाँ पर था दुआ और इधर ढूंढे पर सर के था सब चीज़ कर रहा था और क्या और छीन लिया, मम्मी सूत्र था और सिकड़े था और नकदी भी ले गया, पैसा भी ले गया, पैसा भी ले गया। हाँ, जितने भी सोना चांदी के सामान था सारा वो ले लिया। जाते जाते हमारा बच्चा का बोलता है अंदर से फोन कर लिया, तो हमारा सहयोगी भी वहाँ पर आ गया, लेकिन बात यही रह गया कि जैसा ही गेट लगाना शुरू किया गेट नहीं लग पाया, चोर अंदर था वहाँ से पिस्टल से फायरिंग कर दिया, जिसके कारण हमारा सब आदमी डर गया। डर जाने के बाद में हमारा आदमी इधर उधर हो गया, उसका एक जिंदा कारतूस भी यहाँ पर गिरा हुआ था। इसके बाद में प्रशासन लोग आया, प्रशासन ले करके गया है, अभी तक तो कोई उसके बाद नहीं आया। कितना नकदी लेगा? नकदी में 65,000।